संपादकाचार्य पंडित दिनेश दत्त झा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में केटीवी के संवाददाता अनु श्रीवास्तव को सजग प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया। मैथिल समाज उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में संपादकाचार्य पंडित दिनेश दत्त झा की 129वीं जयंती समारोह डॉ. जितेंद्र नाथ मिश्र की अध्यक्षता में नागरी प्रचारणी सभा में संपन्न हुई। समारोह का शुभारंभ आगत अतिथियों द्वारा संपादकाचार्य पंडित दिनेश दत्त झा के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुआ। प्रत्येक वर्ष संपादकाचार्य पंडित दिनेश दत्त झा जी के स्मृति में दिया जाने वाला संपादकाचार्य पंडित दिनेश दत्त झा पत्रकारिता गौरव सम्मान संस्था के अध्यक्ष निरसन कुमार झा ने प्रसिद्ध गीतकार वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉ. लोहिया और साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित डॉ. बुद्धिनाथ मिश्रा और दरभंगा के वरिष्ठ पत्रकार सुभाष कुमार शर्मा को प्रदान किया। सम्मान स्वरूप संपादकाचार्य पंडित दिनेश दत्त झा जी का मोमेंटो पाक शॉल डायरी पेन और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं संपादकाचार्य पंडित दिनेश दत्त झा की स्मृति में युवा पत्रकारों को दिया जाने वाला सजग प्रहरी सम्मान वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र सिंह, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार गुप्ता, अश्विनी श्रीवास्तव, हरिबाबू श्रीवास्तव अनु, आनंद कुमार मौर्य, सुनील शुक्ला, अभिषेक झा को दिया गया। समारोह के मुख्य अतिथि के पद से बोलते हुए डॉ. बुद्धिनाथ मिश्रा ने कहा कि पंडित दिनेश दत्त झा को भारतीय पत्रकारिता का सूर्य कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। समारोह का संयोजन गौतम कुमार झा ने किया। स्वागत संस्था के अध्यक्ष निरसन कुमार झा ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन दास पुष्कर और सुधीर चौधरी ने किया। समारोह में मुख्य रूप से सभाजी शुक्ल, ब्रजेश पांडे, अशोक तिवारी, डॉ. जयशंकर जय इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आप बनारस में कहीं भी इनको देख सकते हैं, कहीं भी कैमरा दिखते इनका दिख जाएगा। ये सजग प्रहरी है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का कार्य हमारे पत्रकार बंधु करते हैं। सामने हमारी दुख परेशानी समस्याओं को दिखाते हैं, जिससे शासन प्रशासन होता है और उसका निराकरण होता है। अभिभावक और पत्रकारिता के क्षेत्र में आप बराबर सुनते होंगे सर का नाम। भाजपा के मीडिया सेल से भी सर जुड़े हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां पुनः मिलने के लिए। ये काशी पत्रकार संघ के संस्थापक अध्यक्ष और काशी के धनी पत्रकारिता और जिन्हें अगर हम पत्रकारिता जगत का सुर कहें तो अतिशोक्ति न होगी। संपादकाचार्य पंडित दिनेश दत्त झा की 129वीं जयंती मैथिल समाज उत्तर प्रदेश मना रहा है। क्या संदेश दे रहे हैं पत्रकारों के सम्मान? ये पत्रकारों के सम्मान से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारी सेना सरहदों की सुरक्षा करती है तो हम लोग चैन से रह लेते हैं, उसी प्रकार हमारे पत्रकार बंधु भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। अगर वो हमारी दुख को परेशानियों को न शासन प्रशासन को न देखाएं तो उसका निराकरण नहीं हो सकता। वो इनको दिखाते हैं जिससे कि हम चैन से घरों में रह सकते हैं। इसलिए हमने आज संपादकाचार्य पंडित दिनेश दत्त झा पत्रकारिता गौरव सम्मान दिया और सजग प्रहरी सम्मान दिया। मैं गदगद हूँ क्योंकि हम लोगों के आदर्श रहे दिनेश दत्त झा जी। बचपन में हमने उनके बारे में बहुत सुना था, उनके घर मैं जाता भी रहा क्योंकि मैं जहाँ रहता था वो भी मंदिर बरारी का ही था, तो वो बरारी से जुड़े हुए थे और उनके बारे में तमाम उनकी श्रीमती झा से उनसे सुनते थे। तो आज इस नागरिक विचारणी सभा के सभागार में और अपने भाई बंधुओं के साथ उपस्थित होकर और पत्रकारिता के लिए, क्योंकि पत्रकारिता छूटे मेरा कई दशक हो गए, लेकिन जो कहते हैं कि पत्रकार कभी छूटता नहीं, पत्रकारिता छूटती नहीं है, पत्रकारिता रहती है जीवन भर, क्योंकि एक वो दृष्टि होती है, तो वो दृष्टि हमारे पास आज भी है, आज भी मैं लिखता हूँ। मुझे बहुत हर्ष हुआ, मैं इस संस्था को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस लायक समझा गया और निश्चित रूप से इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी।